खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार में तो जबरदस्त तरीके से टूटा ये कहर। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बातें सामने आई वही लगभग बिहार में भी हुआ, क्योंकि ये जो जातिवादी आधार पर जो राजनीति की जो कल्पना की गई और जातियों के आधार पर गठबंधन बनाना और उसके आधार पर जो है चुनाव में जाना, इसको पूरी तरह से जनता ने खारिज किया। लेकिन मेरा सवाल इस वजह से था बिहार को लेकर, उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन था, कांग्रेस अलग थी और बीजेपी थी, मतलब एनडीए अपना दल के साथ, लेकिन बिहार के अंदर तो महागठबंधन का दायरा काफी बढ़ाया गया ना, आरजेडी कांग्रेस के साथ साथ आरएलएसपी को शामिल किया गया, हम भी आ गए साथ में, वीआईपी को भी ले लिया और सीपीआईएमएल को भी साथ में जोड़ लिया, तो वहां पर ये फ्लॉप क्यों हो गया? देखिए, चुनाव से पहले हम लोगों ने जो गणना की थी उसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार वगैरह का और रामविलास पासवान का जो गठबंधन था वो कागज पर भी उनसे ज्यादा तगड़ा था। उसके वोटों को जोड़ दो तो कागज पे ही उनके वोट उनसे ज्यादा बड़े हो जाते थे। उसी वक्त हमें लग रहा था कि महाराष्ट्र में और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन किया है उसने बहुत बढ़िया पेशबंदी कर ली है और बिहार में उनका ही प्रभाव रहेगा। फिर दूसरे फैक्टर भी जुड़ गए, मोदी की लोकप्रियता भी इसमें जुड़ गई और फिर जो आरजेडी का गठबंधन था उसके अंदर बहुत बिखराव भी था, बिल्कुल, और लालू प्रसाद यादव भी मौजूद नहीं थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार एनडीए के अंदर क्योंकि जेडीयू शामिल हो गई, 2014 में जेडीयू नहीं थी, तो ये उसका सकारात्मक असर कि पूरी तरीके से विपक्ष साफ? बिल्कुल, वो नीतीश कुमार का बहुत ही अच्छा कदम था, उन्होंने यहाँ पे शामिल हो गए और उनको उससे बहुत फायदा मिला। पर मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगा, ज़्यादा लोग इनकी चर्चा नहीं करते, टीवी पे ज़्यादा नहीं आते, उनका नाम है भूपेंद्र यादव और वो बिहार के इंचार्ज है। सारे टिकट बंटवारे उन्होंने किए, सारी नाराजगियां भी उन्हीं से थी, सारी नाराजगियां उनके साथ थी। गिरिराज सिंह को की सीट बदली, गिरिराज सिंह इतने बड़े मार्जिन से जीते। मैं एक चीज कहूंगा, आने वाले 4-5 सालों में बीजेपी के संगठन में भूपेंद्र यादव, वैसे भी तो वो बहुत ऊंचे पद पर है, पर उनकी जो पोजिशन है और उनकी जो पावर है और स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। वैसे आपको यहाँ पर हाँ ये समझना पड़ेगा कि एक तो अमित शाह जो हम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में भी विपक्ष को सोच लेना चाहिए वो करेगा क्या, क्योंकि यहाँ तो बीजेपी के अंदर वो जो सेकंड लेवल के लीडर्स हैं उनकी पूरी एक फौज ऐसी तैयार हो चुकी है जो अपने आप में पार्टी के लिए राज्यों में चाणक्यों की भूमिका में है। तो आने वाले समय में, भविष्य में भी विपक्ष के लिए क्या है संभावनाएं, इस पर तो विपक्ष को ही मंथन करना पड़ेगा।